जैसलमेर जिले का सरकारी जवाहर अस्पताल कैंसर के रोगियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। वैसे तो यह अस्पताल सामान्य बीमारी के इलाज के लिए बनवाया गया था, लेकिन अब यहाँ कैंसर के रोगियों का भी उपचार काफी अच्छी तरह से किया जा रहा है। पहले जैसलमेर और आसपास के इलाके के कैंसर के मरीजों को अपना इलाज करवाने के लिए अहमदाबाद जाना पड़ता था, लेकिन अब शहर में अच्छी सुविधाएं मिलने से मरीजों के परिजन काफी संतुष्ट हैं, क्योंकि अब इन्हें अपना पैसा और वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ता और अपने ही शहर में कीमोथेरेपी और कैंसर की तमाम महंगी दवाएं मुफ्त में ही मुहैया करवा दी जाती है। ट्रीटमेंट फिर वहाँ लंबा पड़ता था, आने जाने में खर्चा वगैरह भी ज्यादा हो जाता था, उसके लिए फिर यहाँ से आप बात करिए वर्मा डॉक्टर वर्मा जी से, उन्होंने बोला ठीक है ट्रीटमेंट यहीं हो जाएगा, फिर वहाँ से यहीं उनकी रिपोर्ट लेके अभी लगभग तीसरी या चौथी बार कीमो अभी यहीं दिलवा रहे हैं इनको। जवाहर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर वीके वर्मा भी मानते हैं कि सरकारी होने के बावजूद अस्पताल में कैंसर के मरीजों के लिए जो सुविधाएं दी जा रही है वो आम तौर पर निजी चिकित्सालयों में भी आसानी से नहीं मिल पाती। जवाहर अस्पताल में कैंसर यूनिट की बात करें तो यहाँ ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिनमें कैंसर के मरीज का पहले इलाज अहमदाबाद में चला और 20 से 25 लाख रुपए खर्च होने के बाद भी उनकी जान नहीं बच पाई। वहीं लाखों रुपए में होने वाले कैंसर का यही इलाज अब जैसलमेर में एकदम निशुल्क हो रहा है। कीमो की बात करें तो यहाँ सारी कीमो की दवा उपलब्ध होने का हमें यहाँ पे बराबर कीमो लगा रहे हैं, मरीजों को अच्छी राहत है और हम भी कोशिश करते हैं कि मरीजों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। एक बार कीमोथेरेपी में 1 लाख रुपए तक खर्च होते हैं, हर सप्ताह 40 से 50 हजार रुपए की दवाइयाँ भी लगती है, लेकिन जैसलमेर के जवाहर अस्पताल में कीमोथेरेपी के साथ ही सारी दवाइयाँ भी मुफ्त दी जाती है। 180 मरीजों को कीमोथेरेपी लगा चुके हैं, 40 मरीजों को हमने ओरल कीमोथेरेपी दी है और उसके अलावा हमारे यहाँ तक अब तक का इन्हीं मरीजों को बाहर जाने से वो यहाँ आने की वजह से यहाँ का आईपीडी लगभग 550 का इंडोर पेशेंट अब तक हो चुका है। वाकई जवाहर अस्पताल ने सरकारी होने के बावजूद चिकित्सा के क्षेत्र में जो पहचान बनाई है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जवाहर अस्पताल में धरती के भगवान रहते हैं, अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।